गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का तरीका कार बहुत ही आसान है। आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं आपको बताएंगे आज की रिपोर्ट में। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे अहम और मुश्किल टेस्ट गाड़ी ड्राइव करने का होता है। टेस्ट के दौरान ट्रैफिक पुलिस आपको गाड़ी फराहम करती है और साथ एक वार्डन आपका टेस्ट लेता है। आपको एक मखसूस ट्रैक पर गाड़ी आगे और पीछे करनी है, मगर ये ख्याल रखना है कि गाड़ी किसी के साथ ना टकराए। और ड्राइविंग के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो सीट पे बैठते वक्त सबसे पहले इंसान को चाहिए कि हैंड ब्रेक चेक करें गाड़ी के ऊपर। उसके अलावा फिर जब टेस्ट स्टार्ट करना है सीट बेल्ट बांधें, सीट बेल्ट बांध के उसका क्लच दबाएं, क्लच दबा के गियर लगाएं के हैंड ब्रेक नीचे करें, फिर सर गाड़ी स्टार्ट करें और सीधा आपने जाना। आपको एक ट्राई मिलेगी रिवर्स करने के लिए, अगर आप नहीं रिवर्स कर पाते तो थोड़ी सी आगे कर सकते हैं। उसके बाद आपने दोनों साइडों पर मिरर लगे उसमें देखने और फिर गाड़ी रिवर्स करनी। ड्राइविंग के दौरान ज्यादातर अफराद क्या गलती करते हैं कि उन्हें फेल कर दिया जाता है? लोग फेल इस तरह होते हैं कि वो शीशे में नहीं देखते जब रिवर्स करते हैं तो बिल्कुल एक साइड पे टर्न कर देते हैं, उस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो कोने लगाई गई इनका क्या मकसद है? सर ये वैसे ही बंदे को चेक करने के लिए देखो उसको गाड़ी आती है या नहीं आती, इसका और कोई मकसद नहीं है। इनको हिट करने से तो कोई नहीं लाइसेंस आप रिजेक्ट कर देते? जो हिट करेगा तो वो तो फिर होगा ना सर। अगली स्टोरी में आपको बताएंगे कि LTV लाइसेंस हासिल करने का तरीका। जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि हमारी स्टोरियां आपको मिलती रहें।